इस टाइम के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का नाम बताओ। जहाँ बॉलीवुड में तो अभी रिसेंटली कईयों की शादी हो चुकी है, आई नो, और बुरा भी लगता है, वही साउथ की अगर बात करें तो विजय देवरकोंडा इस टाइम हर जगह छाए हुए हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी विजय के साथ ही फिल्म करना चाहती है, और अब हैदराबाद में उन्हीं के आने वाली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसमें उनके साथ समंथा रूथ प्रभु दिखाई देने वाली है। इस फिल्म का नाम रखा गया है खुशी। अब इस इवेंट पर ऑफ कोर्स फिल्म की बातें तो हुई ही, लेकिन साथ ही में विजय की शादी को लेकर भी टॉपिक उठ गया। यहाँ विजय ने अपनी शादी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है फाइनली, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है और उसी के बारे में डिस्कशन करने लगा है। देखो, ये तो सबको पता ही है पहले से कि विजय देवरकोंडा का नाम पिछले काफी महीनों से हमारी शिवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना से जुड़ता आ रहा है। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है, और जिस तरह से उनके रिलेशनशिप के रूमर्स चलते आ रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि हो सकता है कि जल्द ही ये कपल अपने रिलेशनशिप को सबके सामने कंफर्म भी कर दे। खैर, ये तो अभी तक नहीं हुआ है, देखते हैं कब होगा, लेकिन अभी के लिए विजय ने अपनी शादी के प्लान पर खुलासा जरूर कर दिया है। जब मीडिया ने इस इवेंट पर उनकी शादी को लेकर सवाल किया तो विजय ने कह दिया कि मेरी शादी आसपास है। अब इस स्टेटमेंट से सभी के सभी एक्साइटेड हो चुके हैं और गेस करने लगे हैं कि इनके आसपास का क्या मतलब हो सकता है। पर वेट, इसी पर आगे विजय ने खुद बात करते हुए बता दिया कि मुझे लगता है कि शादी जल्द कर लेनी चाहिए और मेरी शादी काफी करीब भी है। शादी पहले मेरे लिए एक ऐसा शब्द हुआ करता था जिसे मेरे आसपास के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे परेशान कर देता था, लेकिन अब जब भी वो इसके बारे में बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। शादी का एक्सपीरियंस सभी को होना चाहिए, और हो सकता है कि अगले 2-3 साल में मेरी शादी भी हो जाए, लेकिन अभी लड़की की तलाश फिलहाल जारी है। वाह, लड़की की तलाश अभी जारी है, ये कैसे हो सकता है? हमें तो लगा था कि लड़की से आप ऑलरेडी मिल चुके हो। खैर, यहाँ विजय से ये भी पूछा गया कि उनके हिसाब से एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या होती है। इस पर विजय देवरकोंडा ने बात करते हुए कह दिया कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना। प्यार का असल मतलब होता है पार्टनरशिप और कंपेनियनशिप। अब डेटिंग रूमर्स के बीच विजय का इस तरह का स्टेटमेंट सुन के सभी लोग यहाँ पर डॉट्स कनेक्ट करने लग गए हैं विजय देवरकोंडा के रश्मिका मंदाना के साथ। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमराड नाम से भी फिल्म्स की हुई है, और वो दोनों फिल्म्स लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा कई ओकेजंस में ये दोनों साथ में भी स्पॉट हुए हैं। इनफैक्ट वेकेशंस पर भी कहा जाता है कि ये दोनों साथ ही में गए थे, और लोगों ने उनकी फोटोज को देखकर ही कहीं ना कहीं गेस कर लिया था कि वो दोनों साथ में इन वेकेशंस पर गए थे। खैर, ये इवेंट मेनली रखा गया था समांथा और विजय की अपकमिंग फिल्म खुशी के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए। ये एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी बताई जा रही है, और हाँ, कई लोगों का मानना है यहाँ पर कि ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की तरह भी हो सकती है, और वो तो तभी पता चलेगा ना कि जब हम ये फिल्म देखेंगे और ये फिल्म रिलीज होगी। तो खुशी रिलीज हो रही है 1 सितंबर को ही थिएटर्स में, और शिव निर्वाण ने इसे डायरेक्ट किया है। अब आप बताइए कि आप लोग भी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने के लिए, और साथ ही में मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को विजय देवरकोंडा और उनकी लेडी लव, मतलब की रूमर्ड लेडी लव रश्मिका मंदाना की जोड़ी साथ में कैसी लगती है। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।